ओबीएस कहानी नंबर 17 दाऊदा साथे परमात्मा री वाचा। साउल इजराइल देश रा पहला राजा था। से लंबा और सुंदर था। जड़ा राजा इजराइल लोग चाहो थे तिना के तेड़ा ही मिलया। इजराइल देश पर शासन करने से पहले कुछ साल तक साउल एक अच्छा राजा था, पर बादाते से एक दुष्ट आदमी बनेगा और तिने परमात्मा रे आदेश रा पालन नहीं किया। इस खातर परमात्मा ने तीसरी जगह दूजा राजा चुनिया। परमात्मा ने एक जवान इजराइली आदमी चुनिया जिसका नाम दाऊद था, ताकि से साउल हरी जगह राजा बन सको। दाऊद बैतलहम नगर रा एक चरवाहा था। से अपने पाप प्रिय पेड़ा चारिया करो था। तिने एक बार शेर और एक बार पालू मारा था, क्योंकि तिना ने तीसरी पेड़ा पांदे हमला किया था। दाऊद नरम स्वभाव वाला एक धर्मी आदमी था। तिने परमात्मा पांदे भरोसा किया और तीसरा आदेश मान्या। जब दाऊद एक जवान आदमी था तो तिने लंबे चौड़े फिलिस्तीन सैनिक गोलियता रे खिलाफ लड़ाई की थी। गोलियत एक बहुत ताकतवर सैनिक था और लगभग 3 मीटर लंबा था, पर परमात्मा ने गोलियता के मारने खातर और इजराइल देश को बचाने खातर दाऊदा री मदद की थी। तेथे बाद दाऊदा ने इजराइल देश के दुश्मन बंदे कई बार जीत हासिल की थी। दाऊद एक बड़ा सैनिक बनेगा और तिने बहुत सारे युद्ध विच इजराइल लोगों का मार्गदर्शन किया और लोगों ने तेसरी बहुत तारीफ की। इजराइली लोगों ने दाऊदा साथ इतना प्यार किया कि साउल तेसते जलन करने लग्या। साउल दाऊदा के खत्म करना चाहो था। इस खातर दाऊद तेसते और तेसरे सैनिका ते छुपने खातर बना बिच नठिगा। एक दिन जब साउल और तेसरे सैनिक दाऊदा के टोलने लग रहे थे तो साउल एक गुफा बिच गया। ये सही गुफा थी जिच दाऊद छुपी रहा था, पर साउल ने देखा नहीं है। दाऊद साउल रे पीछे पीछे तेसरे बहुत नजदीक चलेगा और तिने तेसरे टाले रा एक टुकड़ा बाडी ला। बाद जब साउल गुफा बिच बारे निकलिया तो दाऊदा ने तेसके से टाले रा टुकड़ा दिखाया। तेबे साउल लाखे पता लगेगा कि दाऊद राजा बनने खातर माखे मारना नहीं चाहता है। कुछ समय बाद साउल युद्ध बिच मरेगा और दाऊद इजराइल दे सारा राजा बनेगा। दाऊद एक अच्छा राजा था और लोगों ने ते साथे प्यार रखा। परमात्मा ने दाऊदा के आशीष दी और से कामयाब बनाया। दाऊदा ने कई युद्ध लड़े और परमात्मा ने इजराइल रे दुश्मन आके हराने बिच दाऊदा री मदद की। दाऊदा ने यरूशलेम शहर जीती के से अपनी राजधानी बनाई और तेती रही कि तिने शासन किया। दाऊद 40 साल तक राजा रहा। इस समय बिच इजराइल देश बहुत ज्यादा ताकतवर और अमीर बनेगा। दाऊद एक मंदिर बनाना चाहो था जेती सारे इजराइल लोग परमात्मा की आराधना कर सको और तेसके बलि चढ़ाई सको। इजराइली लोग लगभग 400 साल ते मूसा रे बनाए दे मिलाप वाले तंबू बिच परमात्मा की आराधना करो थे और तेसके बलि चढ़ाओ थे। पर तेती नातान नावारा एक भविष्यवक्ता था। परमात्मा ने से दाऊदा की ये बोलने खातिर भेजा, ते बहुत सारे युद्ध लड़े, इस खातिर तय मेरे खातिर ये मंदिर नहीं बनाना, ये मंदिर तेरे पुता ने बनाना। तेरे ब्याह ताके बहुत ज्यादा आशीष देऊंगा। तेरे एक वंशजा ने हमेशा खातर मेरे लोका पांदे राजा की तरह शासन करना। हमेशा खातर शासन करने वाला से दाऊदा एकमात्र वंशज मसीह है। मसीह परमात्मा का चुने दा आदमी है जिन्हें संसार के लोग तिन्हारे पापा से बचाने। जब दाऊदा ने नातान भविष्यवक्ता का ये समाचार सुनया तो तिने परमात्मा का धन्यवाद किया और तेसरी स्तुति की। परमात्मा दाऊदा की इज्जत बढ़ाने लग रहा था और तेसके बहुत सारी आशीष देने लग रहा था। बेशक दाऊदा के पता नहीं था कि परमात्मा ने ये गल्ला कदी पूरिया करनी है। ऐसा में आशा के पता है कि इजरायली लोका के लगभग 1000 साल तक मसीह आने का इंतजार करना पड़ना। दाऊदा ने कई साल तक अपने लोका पांदे शासन किया। तिने विश्वास साथे परमात्मा रे आदेश रा पालन किया और परमात्मा ने तेसकी आशीष दी। हालांकि तिने अपने आखिरी जीवन विच परमात्मा के खिलाफ बहुत खतरनाक पाप किया था। एक दिन दाऊदा रे सारे सैनिक दूर लड़ाई करने गए थे। तब दाऊद अपने महला ते बाहर आया और तिने एक सुंदर जवान से नहाते हुए देखी, पर तिने तेसा ते अपनी नजर नहीं हटाई। दाऊद तेस जवान साखे नहीं जानो था, पर तिने पता करी ला कि तेस जवान सारा नाम बतशेबा है। दाऊदा ने तेस जवान साखे अपना बनाने खातर अपना एक सैनिक तेसा के भेजा। दाऊदा ने तेस जवान साथे नजायज रिश्ता बनाया और तिने से वापस का रख भेज दी। कुछ समय बाद बतशेबा ने ये बोली कि दाऊदा के समाचार भेजा कि हूँ गर्भवती है। बतशेबा का घर वाला उरियाह नावारा एक आदमी था। से दाऊदा रे अच्छे सैनिक बीच से एक था। तेसा में से युद्ध करने खातर बारे जा रहा था। दाऊदा ने उरियाह युद्ध बीच से वापस बुलाई ला और तेसके अपने घर वाले साथ रहने खातर बोलिया, पर दूजे सैनिक युद्ध बीच थे। इस खातर उरियाह ने घर जाने से इनकार करता। दाऊदा ने उरियाह वापस युद्ध बीच भेजता और योआब सेनापति के बोलिया कि उरियाह की युद्ध बीच खतरनाक दुश्मन आगे भेज ताकि इसे मारिया जाओ। और तेथे बाद एड़ा हुआ कि उरियाह युद्ध बीच मारिया गया। जब उरियाह युद्ध बीच मरेगा तो तेथे बाद दाऊदा ने बतशेबा साथे ब्याह करी ला। बाद तेसा ने दाऊदा के पुता का जन्म दिता। दाऊदा ने जो पाप किया
तेथे परमात्मा बहुत गुस्सा हुआ। इस खातर परमात्मा ने नातान भविष्यवक्ता दाऊदा की ये बताने खातर भेजा कि दाऊदा का पाप कितना बुरा था। दाऊदा ने अपना पाप मान लिया और परमात्मा ने तेसके माफ करता। अपने बचे दे जीवन विच और अपने मुश्किल समय विच भी दाऊद परमात्मा ने पीछे पीछे चलिया और तेसरा आदेश मान्या। पर दाऊदा का बच्चा मरेगा, ये सारा परमात्मा ने दाऊदा को सजा दी। इथे अलावा दाऊदा के मरने तक तेसरे अपने परिवार ने तेसरे खिलाफ लड़ाई की और दाऊद हर तरह से कमजोर पड़ेगा था। पर परमात्मा भरोसे लायक था और परमात्मा ने एबू भी से किया जो करने रा तीने दाऊदा साथे वादा किया था। बेशक्ति ने परमात्मा का आदेश नहीं मान्या पर बाद दाऊद और बतशेबा बारे दूजी औलाद पैदा हुई और तिन्हां ने तेसरा नाम सुलेमान रखा।